आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो लोगों को पाप और न्याय और कई बातों के विषय में अनजान किया, न्याय के विषय में, पाप के विषय में और धार्मिकता के विषय में। उसमें प्रभु यीशु मसीह ने इनको नकार दिया। क्यों, किस रीति से हुआ, इसका अध्ययन आज हम करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 7-11 चार आयतों को देखेंगे। 7वीं आयत में क्या लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। क्या लिखता है, अगर मैं परमेश्वर पिता के पास नहीं गया तो जो सहायक सहायता करने के लिए मेरे पास परमेश्वर ने भेजा था वो पवित्र आत्मा था। वो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास में तब भेज सकता हूं जब मैं जाकर परमेश्वर से निवेदन करता हूं, तब मैं परमेश्वर से विनती करूंगा और वो मेरी विनती को स्वीकार करेगा और वो आत्मा तुम्हें भेजेगा। किसको, जिसको उसने चुन लिया है, जिसको उसने पसंद किया है, जिसको उसने अपना आत्मा देना चाहता है, विश्वास योग्य बनाना चाहता है, उसके पास भेजेगा। और जब वो आत्मा आएगा तो वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। जब ये आत्मा इस संसार में आएगा, तुम्हारे जीवन में जब आएगा ये, तो तुम जो सुसमाचार प्रचार करते हो उस प्रचार के द्वारा लोगों को समझ में आएगा और लोगों को ये निरुत्तर करेगा पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में। लोग जब अपने अच्छे अच्छे कामों को देख करके सोचते हैं हम पापी नहीं, कुछ ऐसी कमियां कुछ ऐसी गलतियां नहीं करते हैं तो सोचते हैं धर्मी है, पवित्र है, पापी नहीं। लेकिन बाइबल साफ शब्दों में बताती है कि हर एक मनुष्य पाप में जन्म लेता है और इस संसार में एक भी निष्पाप और पवित्र नहीं है, हर एक व्यक्ति पापी है। तो बोलता है वो पाप के विषय में निरुत्तर करेगा, धार्मिकता कैसे प्राप्त हो सकती है उसके विषय में निरुत्तर करेगा, क्योंकि लोगों की दृष्टि में धार्मिकता अच्छे अच्छे काम करना, भलाई के काम करना, उसको धार्मिकता समझते हैं। और न्याय के विषय में भी निरुत्तर करेगा, क्योंकि न्याय होगा ये लोग मानते नहीं, न्याय पर प्रभु यीशु मसीह आकर करेगा ये लोगों को विश्वास नहीं है। तो बोले पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए करेगा कि वो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, पाप के विषय में इसलिए निरुत्तर करेगा कि वो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है शरीर के भाव से तो उसने जन्म लिया लेकिन पवित्र आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठा। और जब प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा तो उस बात का उसने सामने इस बात की गवाही दी और इस बात के विषय में उसने बोला कि जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा और मुझसे निवेदन करेगा, मुझसे प्रार्थना करेगा, मुझसे मांगेगा, तो मैं उसे पाप उनके पापों को मैं क्षमा करूंगा, जो पश्चाताप करेगा उनके पाप को मैं क्षमा करूंगा। तो पाप के विषय में इसलिए कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं इसलिए उनको निरुत्तर करेगा, इसलिए उनके पाप क्षमा नहीं होंगे। अगर वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और ये मान लेते हैं कि उसका लहू मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए बहाया गया है तो उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते हैं इसलिए पाप के विषय में वो निरुत्तर है। पाप उनके क्षमा नहीं हो सकते, उनके पापों की माफी नहीं मिल सकती, ये वो समझते नहीं है। बड़े बड़े कामों को करने के द्वारा, दान दक्षिणा देने के द्वारा उनके दिलो दिमाग में आता है कि हमारे पाप माफ हो जाते हैं, बलिदानों के द्वारा उनके दिमाग में आता है कि हमारे पाप माफ हो जाते हैं, लेकिन ऐसे पाप क्षमा नहीं होते, क्योंकि हर एक बलिदान जिस किसी पशु का आप करते हैं उसकी एक कीमत होती है, वो बहुमूल्य नहीं है कि आपके पापों को माफ कर दे, क्योंकि आपके पाप की कीमत बहुत ज्यादा है, आपके पाप का मूल्य बहुत ज्यादा है, और उससे भी ज्यादा अगर कोई मूल्य की वस्तु आएगी तो आपके पापों को क्षमा कर सकती है। आपका पाप का कर्जा इतना सारा है कि उस कर्जा माफ नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आए कि जो आपके कर्जे को माफ कर सकता है तो केवल प्रभु यीशु मसीह है। और इसलिए बोलता है पाप के विषय में इसलिए करता है क्योंकि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं। धार्मिकता के विषय में भी निरुत्तर करेगा, क्यों, क्योंकि मैं स्वर्ग में पिता के पास जाता हूं। ये प्रभु यीशु मसीह मरने से पहले ये प्रचार कर रहा है और मरने के पकड़वाने जाने के कुछ समय पहले ये प्रचार करता है
कि धार्मिकता के विषय में इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, मैं क्रूस पर चढ़ूंगा, तीन दिन के बाद जी उठूंगा, जी उठने के बाद परमेश्वर पिता के दाहिने सिंहासन पर जाकर बैठूंगा, क्योंकि मैं एक धर्मी व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं एक पवित्र परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं भी खुद पवित्र हूं। तो बोले ये प्रभु यीशु मसीह को धर्मी ऐसा नहीं मानते, तो धार्मिकता कैसे प्राप्त करनी वो जानते भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से धार्मिकता प्राप्त कर सकता है व्यक्ति, तो बोले इस धार्मिकता विषय में भी वो अनजान करेगा। और लिखता है, और तुम मुझे फिर नहीं देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। न्याय ये है कि संसार का जो सरदार है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया है, वो दोषी ठहराया गया है। यानी प्रभु यीशु मसीह का न्याय उसी समय में प्रकट हो गया था, जिन्होंने चढ़ाया वो दोषी ठहर चुके हैं। फिर भी प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से निवेदन करके बोलता है, पिता ये नहीं जानते तो इनको क्षमा कर दे। अगर दोष नहीं होता तो क्षमा करने की बात नहीं आती, इसलिए प्रभु बोलता है तो इनको क्षमा कर, यानी ये दोषी ठहर चुके थे, तो इसलिए इस तरीके से बोलता है प्रभु यीशु मसीह। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर अब हम देखते हैं पाप के विषय में क्यों। तो इब्रानियों की पत्री उसका 10वां पहला अध्याय और 3वीं आयत को हम देखेंगे, तो हमारी समझ में आएगा वो क्या कहना चाहता है। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय और 3वीं आयत में, वह उसकी महिमा का प्रकाश है, उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है, वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा है। पाप के विषय में इसलिए निरुत्तर करेगा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के विषय में स्वयं पौलुस ने इस बात को लिख दिया है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का प्रतिरूप है, उसके तत्व की छाप है। इसलिए लोगों ने बोला पिता को हमें दिखा दे, तो चेलों को क्या बोला, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। इसका मतलब यह हुआ कि पिता की जो सुंदरता और पिता की जो वास्तविकता है, जो स्वरूप है, वो पूरा स्वरूप प्रभु यीशु मसीह का था। और इसलिए बोलता है कि वो परमेश्वर पिता की महिमा का प्रकाश है, उसके तत्व की छाप है, सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। हर एक संसार की वस्तुएं उसकी सामर्थ्य के वचन से संभालती है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह निकल के जा रहा था, और जाते समय उसने जब देखा कि एक अंजीर का पेड़ है, तो बोला इस पेड़ में फल होना चाहिए। चेलों ने बोला प्रभु ये फल का समय नहीं है, फिर इसमें फल कहाँ से आया। बोले मुझे तो चाहिए, मुझे नहीं मिला, मैंने इस पेड़ को बनाया, और मुझे अगर ये प्रति फल नहीं दे सकता तो ये पेड़ सूख जाना चाहिए। और जब ये लौट कर आ रहे थे, तो प्रभु जिस पेड़ को तूने श्राप दिया था वो पेड़ सूख चुका है। तब प्रभु बोलते तुम विश्वास करो तो बड़े से बड़े काम कर सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह ये बात बताना चाहता है कि मेरी सामर्थ्य के वचन से मैंने पूरे संसार को बनाया, पूरी सृष्टि बनाई, पूरे पेड़ पौधे बनाए, पूरे जानवर बनाए, सारे मनुष्य बनाए, सब कुछ बनाया मैंने। और फिर वो मेरे सामर्थ्य के वचन से संभलने के बावजूद मेरे जरूरत के समय में उसका अंदर फल नहीं है। ये केवल पेड़ के विषय में नहीं लिखा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के विषय में लिखता है कि उन मनुष्यों को मैंने जीवन दिया, उन मनुष्यों को मैंने ज्ञान दिया, उन मनुष्यों को मैंने विश्वास योग्यता दी, उन मनुष्यों को मैंने अपना आत्मा दिया, और इसके बावजूद अगर वो उस सामर्थ्य के वचन को लोगों के पास नहीं पहुंचाते, तो ये उनके पापों के अंदर मर जाएंगे, लोग पापों में मर जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं उनके पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर परमेश्वर पिता की दाहिने सिंहासन पर बैठ गया। अब 10वां अध्याय देखते हैं हम, 10वें अध्याय की 10 और 12 आयत को, उसमें वो क्या बोलता है। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 10 और 12, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक बार बलिदान चढ़ाने के द्वारा पवित्र किए गए। हमारे पापों का प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह के एक बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा शुद्ध हो जाता है, और वो हमें पवित्र कर देता है। तो बोले पाप के विषय में उनको अनजान इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की देह मेरे लिए चढ़ाई गई, वो मानने को तैयार नहीं है। और इसलिए लिखा उसमें कि प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गया हमें, ताकि वो हमें पवित्र करे। और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है, और एक ही प्रकार के बलिदानों को जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाते हैं। अगर याजक एक बार बलिदान चढ़ाकर पापों को दूर कर सकता, तो उसको दोबारा उस व्यक्ति के लिए दोबारा पापों का प्रायश्चित करना नहीं पड़ता, दोबारा बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए वो लिखता है कि याजक बार बार चढ़ाता था, पर यह व्यक्ति अर्थात प्रभु यीशु मसीह पापों के बदले
एक ही बार बलिदान हुआ और यह बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ा दिया और परमेश्वर की दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है वो पापों की क्षमा कर सकता है, इसलिए आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि उसका बलिदान ने और उसके लहू ने आपके पापों को प्रायश्चित किया है, आपके पापों को क्षमा किया है। अगर आप विश्वास नहीं करते तो पाप के लिए आप निरुत्तर हैं, वो पाप आपको किसी भी हालत में आपके जीवन में वो पापों का प्रायश्चित नहीं मिलेगा, ये समझाने के लिए इब्रानियों के पत्र में इस बात को लिखा है। अब हम देखते हैं प्रेरितों के काम के अंदर क्या कहना चाहता है पौल, पहले तो पत्रस बताता है, उसके बाद पौलुस क्या बताता है वो भी हम देखते हैं। पत्रस क्या बोलता है प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय और उसकी आठवीं आयत में पहले देखते हैं वो क्या कहता है। प्रेरितों के काम पहला अध्याय आठवीं आयत, उसमें लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। पवित्र आत्मा जब तुम्हें मैं दूंगा तो अपने प्रेरितों को बोलता है, तब तुम्हें करना क्या है मालूम है, आपको जाकर के प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों तक प्रचार करके बताना है कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके पापों को प्रायश्चित कर सकता है। फिर उसी प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय 33वीं आयत क्या बोलता है, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने उंडेल दिया जो तुम देखते हो सुनते हो। प्रभु यीशु मसीह ने जाने से पहले कहा था, मैं परमेश्वर के दाहिने हाथ के सिंहासन पर जाकर बैठूंगा और मैं अपने पिता से निवेदन करूंगा कि जितने लोगों को मैंने सुसमाचार सुनाने के लिए नियुक्त किया है, जितने लोगों को मैंने विश्वास योग्यता दी है, उनको पवित्र आत्मा देना, जिससे वो पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद जो प्रतिज्ञा उनको दी गई है उस प्रतिज्ञा के अनुसार लोगों को सुसमाचार सुना सके और लोगों को बता सके। फिर इसी प्रेरितों के काम को देखते हैं 5वां अध्याय और 5वें अध्याय की हम आयत एक देखेंगे 32वीं आयत, इसमें क्या लिखता है, और हम इन बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी इन बातों का गवाह है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हम इन बातों के गवाह हैं कि प्रभु यीशु मसीह मन फिराव और शक्ति के पापों की क्षमा, मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान कर सकता है। 31वीं आयत में लिखा, उसी को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराया और अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद दे दिया ताकि वह इसराइलियों को मन फिराव की शक्ति दे और पापों की क्षमा प्रदान करे। प्रभु यीशु मसीह ने लिखा था वो पापों के विषय में निरुत्तर करेगा, किसको करेगा, जो लोग प्रभु यीशु मसीह से दूर है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते उनके पापों से पश्चाताप करने का मन उनको नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब निवेदन करता है तो कहता है मन फिराव की शक्ति मिलेगी और पापों की क्षमा प्रदान करने का दान मिलेगा। और ये प्रेरित बोल रहे पत्रस वगैरह, पत्रस और यूहन्ना, हम इन बातों के गवाह है और पवित्र आत्मा भी गवाह है जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। परमेश्वर ने वो पवित्र आत्मा उनको दिया है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, बोले जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, ये कहना चाहता है प्रभु यीशु मसीह। और साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा है उसने, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और उसकी हम आयत को देखेंगे 14वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत में क्या लिखता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा और मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है ऐसे मैं तुम्हें शांति नहीं देता, तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। क्या लिखता है, अर्थात वो सहायक आएगा जिसको पिता मेरे नाम से तुम्हारे पास भेजेगा, मैं जब निवेदन करूंगा तब वो पवित्र आत्मा तुमको भेजेगा और वो पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा तो तुम्हें जाकर के क्या क्या सुसमाचार प्रचार करना है। अब हम देखते हैं पाप के विषय में कैसे अज्ञात किया वो हमने देखा, अब हम देखेंगे धार्मिकता के विषय में कैसे वो धार्मिकता के विषय में क्या कहना चाहता है। तो हम देखते हैं पहले रोमियो की पत्री पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा है वो हम पहले देखेंगे, रोमियो की पत्री पहला अध्याय 17वीं आयत, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा।
इधर भी वही बातें, विश्वास योग्यता। एक विश्वास योग्यता अगर इनके अंदर नहीं आई तो धार्मिकता के विषय में ये लोग अनजान हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से मिलती है। जब इनको ये बात समझ में आ जाएगी और विश्वास करने के लिए धार्मिकता आपको दी गई है, और इसीलिए लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो ये विश्वास करने का जो मन दिया है वो रोमियो की पत्री में पौलुस साफ शब्दों में लिखता है कि परमेश्वर उन लोगों को देगा जो विश्वास करने के योग्य है, जिनको विश्वास करने की जरूरत है, जो विश्वास करना चाहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को पहचानना चाहते हैं। ये इसलिए लिखा है क्योंकि पौलुस अपने जीवन में जो करता था वो पौलुस को पता है कि पौलुस बहुत बोलता है, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह के लोगों को बहुत सताया है, बहुत मारा है, कोड़े लगवाए हैं और सब कुछ किया है। और इसलिए उसने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आपको धार्मिकता तब दे सकता है जब आप विश्वास करेंगे। और इसलिए बोलता है कि परमेश्वर ने मुझ में क्या देखा, ऐसी क्या बात देखी, ऐसी क्या विश्वास योग्यता देखी कि यीशु समाचार सुनाने का कार्य मुझे सौंप दिया है। और पौलुस बोलता है मैंने कोई समय और कोई वक्त नहीं छोड़ा, कोई ऋतु नहीं छोड़ी, कोई प्रकार का वातावरण को मैंने नहीं देखा, मैंने केवल सुसमाचार सुनाने में मैं पागल हो गया। लोग पौलुस को पागल समझने लगे थे। अब इसमें ऋषि रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 3री आयत में क्या लिखा है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। अब उसमें क्या लिखा था यूहन्ना ने कि परमेश्वर उनको धार्मिकता के विषय में भी निरुत्तर करेगा। क्यों करता है? क्योंकि ये लोग परमेश्वर की धार्मिकता कैसे प्राप्त हो सकती उससे अनजान है, और अपने विचारों से, अपने व्यवहारों से, अपने तरीकों से, अपने रीति रिवाजों से धार्मिकता को स्थापन करने का प्रयत्न करते हैं। कैसे करके परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? बलिदानों के द्वारा, भेंट के द्वारा और तरह तरह के कार्यों के द्वारा ये सोचते हैं। और इसलिए इसका परिणाम क्या आता है मालूम है? ये परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान हो जाते हैं और परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन होना नहीं चाहते। तो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर अपनी धार्मिकता के विषय में भी अनजान करेगा, उनको वो धार्मिकता भी नहीं देगा कि उस धार्मिकता के अनुसार ये लोग समझ सके कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, प्रभु यीशु मसीह की वास्तविकता क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्या समझाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। आगे क्या लिखता है? पिता किसी का, यूहन्ना की रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 22वीं आयत में क्या लिखता है? पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे पुत्र का आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा आदर नहीं करता है बोले। यानी परमेश्वर ये चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला है उसको सुने और सुनने के बाद में विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह का आदर करें। तो बोले न्याय के विषय में निरुत्तर किया है, तो बोले परमेश्वर ने न्याय करने का अधिकार तो प्रभु को दिया है, और जब उसने प्रभु यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार दिया है तो आपको डरना चाहिए क्योंकि वो आपका न्याय एक दिन करेगा। और इसलिए लिखता है न्याय के विषय में निरुत्तर क्यों किया है? क्योंकि वो क्या चाहते थे? हमारा न्याय कौन करेगा, हमें कोई कमी कोई घटी नहीं, ये उन लोगों के विचार थे। उस समय भी थे, आज भी कई लोगों के विचार ये है कि मैं पूरी रीति से शुद्ध हूं, पूरी रीति से सही हूं, मेरा न्याय कोई नहीं कर सकता। और 30वीं इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 30वीं में क्या लिखता है? मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चाहता हूं। साफ शब्दों में प्रभु यीशु मसीह बोलता मेरा न्याय क्यों सही है, या जो तुम्हें मेरे न्याय की जरूरत क्यों है, क्यों आपको न्याय के विषय में जानना चाहिए या न्याय होगा इस बात पर विश्वास करना चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं जो न्याय करता हूं वो न्याय मेरा अकेले का नहीं है, मेरा न्याय सच्चा है क्योंकि मैं अकेला अपनी इच्छा से वो न्याय नहीं करता, लेकिन अपने भेजने वाले परमेश्वर की इच्छा से मैं न्याय कर रहा हूं। वो मुझे दर्शाता है, वो मुझे बताता है, वो मुझे बोलने की शक्ति देता है, वो मुझे सामर्थ्य देता है ताकि मैं लोगों का न्याय सही रीति से कर सकूं। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह स्वयं पवित्र और धर्मी है, इसलिए वो न्याय तो कर सकता है लेकिन फिर भी पिता को अपने साथ रखता है। यानी प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को कितना अधिक आदर देता है, अगर वो अपने पिता को इतना आदर देता है तो प्रभु यीशु मसीह को भी आदर दिलाना पिता जानता है, इसलिए बोलता है कि मेरे
लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे पुत्र का भी आदर करें। अगर आप पुत्र का आदर नहीं करते हैं, अगर आप पुत्र पर विश्वास नहीं करते हैं, तो वह पिता जिसने उसे भेजा है तुम उसका भी आदर नहीं करते। यानी परमेश्वर ने अगर आपको एक आज्ञा दी है कि मेरे पुत्र का आदर करो, और अगर आप आदर नहीं करते तो ये मान के चलो कि प्रभु यीशु मसीह का आपने आदर नहीं किया, तो आपने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसका भी आदर नहीं किया। अब ये क्या लिखता है अपन, न्याय क्या था? यह था कि प्रभु यीशु मसीह को मारना और उसके नाम मिटाने के लिए संसार के सरदार भूल में पड़ गए। न्याय तो यह था, उन लोगों ने न्याय किया था, इस संसार के लोगों ने, कि प्रभु यीशु मसीह को मार देंगे, क्रूस पे चढ़ा के खत्म कर देंगे, उसका नाम निशान संसार से मिट जाएगा। और यह योजना परमेश्वर की थी, यह उनको समझ में नहीं आया। अपने तरीके से न्याय करना सोचा उन्होंने, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया कि परमेश्वर ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रखा है, परमेश्वर ने उनको भूल में डाल रखा है, उनके ज्ञान को मूर्खता बना दिया है ताकि वो अपने ज्ञान के द्वारा इसको मार दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ने के लिए ही परमेश्वर ने भेजा था, ये परमेश्वर की योजना थी, और इस परमेश्वर की योजना को ये समझ नहीं पाए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है पिता ये जो कुछ भी करते ये नहीं जानते क्या करते, क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया है अपने सांसारिक बुद्धि के अनुसार किया है, इन्होंने कभी नहीं पहचाना कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और जो लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय में लिखा है, जो हमने पहले पढ़ा, फिर से एक और बार देखेंगे, उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो क्या बोलता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं जाऊँगा और यदि मैं नहीं गया तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, और यदि वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आया तो आप पाप, धार्मिकता और न्याय क्या चीज़ें वो नहीं समझ पाओगे। वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुमको नहीं मिला तो आपके पापों का प्रायश्चित कैसे हो सकता है, आप कैसे धर्मी बन सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के न्याय में आप कैसे विजय पा सकते हैं, ये बात आपके समझ में नहीं आएगी। अगर परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा देगा तब आपको समझ में आएगा कि आप संसार के पाप से कैसे बच सकते हैं। उसका आत्मा आपको मिलेगा तब आप समझ सकते हैं कि आप धर्मी कैसे ठहर सकते हैं विश्वास योग्यता के द्वारा, और न्याय में कैसे विजय पा सकते हैं उधर भी विश्वास योग्यता है। यानी परमेश्वर का पवित्र आत्मा केवल विश्वास करना सिखाएगा जिससे आप पापों का प्रायश्चित भी पा सकें, धर्मी भी ठहर सकें और न्याय में विजय भी पाए। ये समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय की आयतों में लिखा है। आज के इस अध्ययन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद मानते हैं आपका, आपने एक और अवसर दिया, एक और मौका दिया। आपसे बड़ा सामर्थी और दयालु कोई नहीं, आपके जैसा महान अनुग्रहकारी ईश्वर कोई नहीं। प्रार्थनाओं को सुनते हैं, जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, कमी घटियों को पूरा करते हैं। हमारे लोगों के लिए धन्यवाद मानते हैं प्रभु, जो लोग आपके वचन को सुनते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं, और जो समझ में नहीं आता वो समझने के लिए और इच्छा रखते हैं, ऐसे लोगों को और भी अधिक प्रभु समझ बुद्धि का आत्मा देना, अपनी आत्मा की सामर्थ्य देना है ताकि आपके वचनों की गहराई को समझ सके और आपके वचनों को समझकर अपने जीवन को बचा सके। क्योंकि केवल एक ही मार्ग है जो आपका मार्ग है, जो आप है। आप केवल ये चाहते हैं संसार में कि हरेक मनुष्य प्रायश्चित कर ले, हरेक मनुष्य पापों की क्षमा मांग ले और हरेक मनुष्य आपके राज्य में प्रवेश कर ले। क्योंकि आप स्वार्थी नहीं है, आप निस्वार्थ सेवा करने के लिए लोगों को भेजा है, और इस निस्वार्थ सेवा में हम अकेले स्वर्ग जाना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि जो लोग सुनते हैं वो भी स्वर्ग राज्य के योग्य बने। और ये जो शिक्षा आपने हमें दी है इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं, और जो लोग इन वचनों को सुनते हैं उनके मनों में काम करना है, उनको अपना आत्मा देना है। साथ ही साथ निवेदन करते हैं, कई लोग कई परेशानियों में, कई तकलीफों में, कई मुसीबतों में होंगे प्रभु, लोग भी आपके ऊपर विश्वास करें, आपसे मांगे और आपके द्वारा चंगाई पाए। यह हमारा आपसे निवेदन है, यह हमारा आपसे विनती है। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। हमारी छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन।